और मैंने जैसे बताया कि फास्ट बॉलर को हमेशा जब उन्हें बॉल आता है अपना टाइम बहुत कम होता है, उन्हें इतना टाइम नहीं होता कि अपन पूरा सा पैर आगे निकाले, पूरा उसको बैट पूरा बैकफुट पे जाए, पूरा उसको पंच करें। आप हमेशा बैटिंग देखते हो, हमेशा बैट्समैन क्या करते हैं, अपना हैंड आई कोऑर्डिनेशन यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? हैंड आई कोऑर्डिनेशन। परफेक्ट स्टांस में वो उसको कट कर देते हैं, उसको ड्राइव कर देते हैं हल्का सा पैर निकाल के, या इसी स्टांस में उसको पंच कर देते हैं। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ देखनी है कि आपका फिगर मूवमेंट क्या है, आपका एक स्टांस में आप कैसे एक स्टेबल पोजीशन में आते हैं। उसके बाद आपको अपना हैंड आई कोऑर्डिनेशन इंप्रूव करना है। आप इन फोकस क्या होगा इसमें कि आप बॉल के ऊपर पूरा हेड लेके आए, पूरा उसको कनेक्ट करें। इंपॉर्टेंट थिंग, सारी बॉल आपको कहाँ खेलनी है? क्लोज टू द बॉडी, मतलब बॉल को आने देना है, बॉल पे आगे नहीं जाना। सपोज यू गोइंग फॉर द ड्राइव, मेरे स्टांस से मैंने हल्का सा अपना ट्रिगर मूवमेंट लिया, मैं हल्का सा मैंने फुट आगे किया, अपना बॉडी वेट आगे लिया, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ड्राइव करनी है मेरे को, तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने को पुश नहीं करूँगा यार, मैं बॉल को आने दूंगा, मैं कहाँ मीट करूँगा बॉल को, बिल्कुल बॉडी के पास, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, पंच भी करो, 1 2 3। तो जितना ट्राई करो बॉडी के पास बॉल खेलोगे ना, उतने अच्छे बैट्समैन बनोगे, उतना कंफर्ट जोन में आओगे, उतना आपके शॉट्स बनेंगे। तो क्या करना है? क्लोज टू द बॉडी सर, पुल तो दूर, ठीक है। तो एक कहते हैं ना, हैंड आई कोऑर्डिनेशन एंड क्विक एक्शन एंड रिएक्शन, उस टाइप के शॉट्स हैं, तो इस पर वर्क करो। तेज तेज बॉल फेंको।